परसों पापा का बर्थडे है, चला ना। ये देखो मगर ना गनु उगड़ रहा है। हाँ चल चल, ओ हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। वो पापा ना, पापा हैप्पी बर्थडे। ये देखो हमारे पापा करना। हैप्पी बर्थडे गुनु बाबा ना, तुझे बाबा है। थैंक यू मम्मी, तू कर हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे अनि, हाँ हैप्पी बर्थडे। पप्पांचा बर्थडे पहिल्यांदा असं आहे की आठवणीत राहील, आणि त्यात तुझी पोरगी नाही, तुझी लाडकी पोरगी नाही केला का? हा का? अरे ये देखिए, इस मोहतरमाने लॉक कर दिया और हमारा कार्ड अंदर ही है, नाही लागणार ते दुसरं पप्पा मम्मीचं। नाही स्वामी ने क्या किया, पूरा लॉक कर दिया। तो अभी पापा का आज बर्थडे है, तो वैसे ही ब्लॉग जो है वो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो शूटिंग करना था वो मैंने कर लिया, मेरे चार वीडियो शूट करने थे वो कर लिए, और अभी हम खुद भी शॉपिंग कर रहे हैं, तो मम्मी भी है पापा भी है। सो अभी साड़ियाँ जो है वो देख रहे हैं, और उसके साथ साथ भी स्वामी श्री गणेश जी के लिए भी शॉपिंग करनी है, वो भी हमें करनी है यहाँ पे। तो बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ है, अगर आपने वो वीडियो, मतलब मुझे नहीं पता ये ब्लॉग के पहले आएंगे या फिर ब्लॉग के बाद आएंगे, बहुत सारी वैरायटी जो है उस ब्लॉग में मैंने इंक्लूड कर दी है, तो आपको वो ब्लॉग देखने में। बघ छान दिसतो, बघ भाई तुला जसं आवडेल तसं घे। तो यहाँ पे अभी हम अजमेर फैशन से निकल गए थे, और यहाँ पे लिफ्ट से हमें नीचे जाना था, ये थर्ड फ्लोर पे था। तो ये रघुकुल टेक्सटाइल मार्केट है, बहुत ही अच्छा मार्केट है, और इसकी बहुत सारी वीडियो आने वाली है। तो अभी हम वीडियो शूटिंग करने के लिए आए थे वो रघुकुल टेक्सटाइल मार्केट में आए थे, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़, इसलिए हमने हमारी जो गाड़ी है वो नहीं लाई, और मैं आपको दिखा देती हूँ बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। यहाँ पे अभी निकल रहे हैं हम, और हमने हमारी फोर व्हीलर नहीं लाई थी, तो इस वजह से हम आए थे ऑटो में, और अभी पापा जो है वो ऑटो ढूंढ रहे थे। और यहाँ पे सूरत में देखिए हर एक जगह कपड़ों का ही व्यापार होता है, इतनी सारी साड़ीज़ है, इतनी सारी साड़ीज़, मैं देख के हैरान हो गई थी। मतलब आप देखिए ना, हर जगह साड़ी साड़ी और टेक्सटाइल मार्केट था, मैं तो बहुत ज़्यादा हैरान हो गई थी, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम सूरत में आई थी। सूरत का नाम मैंने बचपन से सुना था, क्योंकि मेरे मामा जो है ना, बड़े मामा, तो उनकी शॉप है कपड़ों की, मैंने हमेशा सुना था कि वो वहाँ से बहुत सारी साड़ीज़ वगैरह लाते थे, बट कभी नहीं आई थी। मेरी मम्मी आई थी यहाँ पे मेरे मामा जी के साथ, और मेरी मौसी वगैरह, वो सब कुछ सब लोग आए थे, मेरी मासी की बेटी की शादी थी। तो यहाँ पे देखिए अभी हम ऑटो में बैठे थे, और बहुत ज़्यादा थक चुके थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी और गर्मी भी बहुत हो रही थी। तो यहाँ पे पापा में और नितेश बैठे, बच्चे तो सो गए थे। और ये देखिए फ्लाईओवर है, यहाँ पे फ्लाईओवर बहुत ज़्यादा है, और इतना ज़्यादा आवाज़ आ रहा था ना, तो इस वजह से मैंने वॉइस ओवर किया है। अभी हम होटल में आ चुके थे, और बच्चे जो है वो सो गए थे। आई थिंक स्वामी श्री मेरे पापा के पास सोई हुई थी, आई थिंक, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि दोनों ने सेम ही ड्रेस पहने हुए थे ना। सो नहीं नहीं आई थिंक, मुझे लगता है गनू पापा के पास हुई थी, और अभी स्वामी से जो है मेरे मम्मी पापा के पास, हमने उसको बोला, क्योंकि लिफ्ट बहुत छोटी थी, और इस वजह से वो रो रही थी, हमने बोला कि तुम मम्मी पापा के साथ। अच्छा गनू आपके रूम है ये, काट ले पापा ने फोटो, काय बर तुमच्या मोबाईल मध्ये काढ, तू इकडे कर। मम्मी इनको पूरा सिखाती रहती है कैसे क्या एक्टिंग करनी है, क्या नहीं करनी है। तो ये स्वामी श्री जो है, स्वामी नहीं सॉरी, स्वामी श्री जो है हमारे इस रूम में रहती है, गनु मेरे मम्मी पापा के रूम में रहते है ना गनु, तो सास अरे स्वामी सर स्वामी श्री ओहो ये
तो अभी हम जा रहे हैं बाहर खाना खाने के लिए, बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। हाँ चला, तो कल खाना नहीं मिला था, आज ऐसा नहीं होना चाहिए। सो चलिए, अभी पापा बोल रहे चलो चलो तुम ये स्प्रे मार लेती हो, स्प्रे। अरे हो रे, ये मम्मी पापा की बेडरूम है और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, वही ड्रेस हमने पहने हैं। अरे चलो चलो चलो, पापा ने बंद कर दी लाइट। तो अभी हम होटल ढूंढने निकल पड़े हैं। ये हमारे होटल के बाहर का नज़ारा है, ये देखिए आप फ्लाईओवर देख रहे हैं और ये रेलवे स्टेशन के पास का इलाका है। और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे भी एक होटल था खाना खाने के लिए, जो कि उस टाइम जैसे कि हम आए थे जिस दिन फर्स्ट डे, तो वहाँ पे ये होटल जो था बंद था। और यहाँ पे होटल जेनिथ भी था, हम देख रहे थे भाई ये भी है। और मम्मी बोल रही थी कि आपने यहाँ पे क्यों नहीं देखा रूम्स, क्योंकि हम इतने ज़्यादा उस दिन थके हुए थे ना, तो इस वजह से यहाँ पे रुक गए थे। और ये देखिए इस फ्लाईओवर के पास यहाँ पे ही हमने हमारी फोर व्हीलर जो है वो पार्क की थी। और ये जो होटल है यहाँ पे इनका खुद का पार्किंग नहीं था मे बी, तो उन्होंने बोला कि आप यहीं पे लगाओ। तो यहाँ पे पर डे के लिए 100 रुपीज़ लगते हैं अगर आपकी फोर व्हीलर है तो। और यहाँ पे सेफ भी था, और बाकी की जगह अगर रखनी है जैसे कि जिस होटल में हम रुके थे जिस लॉज में, तो वहाँ पर उनकी खुद की पार्किंग नहीं थी, तो ऐसे ही बाहर रखनी पड़ रही थी। और बहुत सारी लेडीज़ ने मुझे कहा कि तुम बहुत फेक व्लॉगिंग करती हूँ कि उस दिन खाना था उस जैसे कि तुम होटल इंटरनेशनल में रुकी हुई तो वहाँ पे खाना क्यों नहीं होगा। भाई नहीं था खाना, आप जाके ना चेक कर सकते हो। तो ये देखिए हम पैदल चल चल के यहाँ पे आ गए, ये भी बहुत पास का इलाका था और बहुत सारे लॉजिंग एरिया ही था यहाँ पे, बहुत सारे लॉज थे और रेस्टोरेंट हम ढूंढ रहे थे कि कहाँ पर अच्छा खाना मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे भी ये बहुत अच्छे होटल्स थे, हम ये बाद में आए थे यहाँ पे देखने के लिए। भाई हमारा भी होटल बहुत अच्छा था जहाँ पे हम रुके हुए थे, बहुत अच्छा नज़ारा है, ये बहुत पास के इलाका है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मोहन मिठाई नाम का एक जो शॉप था बहुत ही बड़ा था, और यहाँ पे सारी मिठाइयाँ नमकीन जो होता है वो मिल रहा था। हमें जाना था वहाँ पे बट वो बंद हो गया था। फिर यहाँ पे जो फ्रूट बेच रहे थे भैया, इसको पापा पूछ रहे थे कि कहाँ पे अच्छा खाना मिलता है, तो उन्होंने कहा यहाँ पे जाइए सूरत रेस्टोरेंट पे, आपको नॉनवेज जो है बहुत बढ़िया मिलेगा। तो ये देखिए यहाँ पे सारे रेट जो है उन्होंने लगवाए थे, और ये गुजराती हमें समझ नहीं आ रही थी बट थोड़ा बहुत समझ में आ रहा था कि एग्जैक्टली क्या लिखा है। फर्स्ट था चिकन लेग, चिकन कीमा, ऐसे रेट लिखे थे, तो वो हम उनको भी पूछ रहे थे। और वैसे भी उनको हिंदी आ रही थी, वो भी बता रही थी कि उसकी प्राइस क्या है। बहुत ही छोटा सा होटल था बट ऑनेस्टली बता दूँ वहाँ का जो खाना था बहुत ही बढ़िया था। और यहाँ पे ये था चिकन 65, उसको मैरिनेट करके रखा हुआ था। अभी हम यहाँ पे बैठे थे और हाथ जो है वो सैनिटाइज जो है वो कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी और वहाँ पे हैंड वॉश करने के लिए जगह भी नहीं थी, इसलिए हमने हैंड को जो है सैनिटाइज कर लिया। गनू हमारे पास बैठी थी, बोल रही थी मम्मा पानी चाहिए पानी चाहिए, हमने हमारे गाँव के यहाँ से ही बहुत सारी बिस्लेरी की बॉटल जो वो ली थी। और सब पापा मम्मी मुझे पूछ रहे थे कि तुम्हें क्या स्टार्टर में चाहिए क्या चाहिए, मैं बोल रही थी आपको जो लेना है वो ले लो ना, क्योंकि मैं इतनी थकी हुई थी, मुझे बस खाना था और सोना था, क्योंकि इतनी ज़्यादा ट्रैवलिंग हो चुकी थी ना। देखिए मैं यहाँ पे भी बोल रही थी पापा आपको जो लेना है वो ले लो, और गोनू देखिए मेरे पास नहीं मेरी मम्मी के पास ही बैठा था। तो ये चिकन 65 हमने लिया था, इसके ऊपर जो है पुदीना डाल दिया, तो उन्होंने इतना लज्जत था। देन उसके बाद चिकन बटर हमने लिया था, और सौमिश्री तो एकदम से टूटी पड़ी थी क्योंकि सभी को इतनी भूख लगी थी भाई साहब, और नितेश को खाना ही नहीं आ रहा था खाना, क्योंकि वो लिफ्ट ही थे। फिर उसके बाद खाना खाने के बाद हम आए थे सोडा पीने के लिए, उसी के पास था। यहाँ पे इतनी सारी वैरायटी, मैं खुद ज़्यादा दंग रह गई थी, बाप रे इतनी सारी वैरायटी। तो मैंने यहाँ पे काला खट्टा जो है वो फ्लेवर लिया था, और बहुत ही यमी था। आई थिंक ये 10 रुपये का सोडा था, बहुत ही अच्छा था और इतना स्ट्रांग था, क्योंकि कम रेट के जो होते हैं ना सोडा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते। फिर उसके बाद स्वामी से गणेश ने सोडा नहीं पिया, तो बोल रही थी पापा हमें थम्सअप चाहिए माजा चाहिए, तो उनके पापा जो है उनको दिलवा रहे थे। ये देखिए यहाँ पे, तो मम्मी ने यहाँ पे क्या किया था, जो सौफ थी ना वो ली थी एक टिश्यू पेपर में, जैसे कि हमने खाना खाया था उसके बाद सोडा पीने के लिए गए थे, मम्मी बोली सोडा पीने के बाद सौफ खाना, क्योंकि सोडा पीने से पहले खाओगे तो सोडा का जो फ्लेवर है ना वो अच्छा नहीं लगेगा। और ये देखिए सौमिश्री गणेश मुझे बता रही है मम्मी देखो हमने थम्सअप लिया, और ये देखो गणेश्री का येलो येलो है, मेरा देखो ब्लैक ब्लैक है, और गणेश ने आई थिंक माजा लिया था। और यहाँ पे अभी हम चल रहे थे, पैदल चल रहे थे, बहुत ही अच्छी सिटी है सूरत,
अगर आपने विजिट नहीं किया है तो आप भी आइएगा। और यहाँ पे जहाँ पे हम रुके थे वही पास के इलाके में अभी हमने खाना खाया। मम्मी को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, मुझे इतनी ज़्यादा ठंड नहीं लग रही थी यार, पता नहीं मम्मी देखिए ऐसे कर रही है। तो गणेश जी स्वामी शुभ भी नहीं लगा, हमने स्वेटर नहीं लाए थे, मैं भूल गई थी मेरे घर पर। और यहाँ पे अभी हम ले रहे हैं पान, तो ये ऑलरेडी बना हुआ पान था, वो इतना कुछ खास नहीं लगा था। ये आई थिंक गुलकंद वगैरह जो होता है ना, ये देखिए ये मैंने उनसे बनवा के लिया क्योंकि मम्मी के इतना कुछ खास नहीं था बना हुआ पान, तो ये था। मेरे पापा जो है वो इमोशनल हो गए थे क्योंकि अभी आज उनका बर्थडे है और उनकी लाडली बेटी यानी कि छोटी बेटी जो है वो नहीं है, तो इमोशनल हो गए थे। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले की जो क्लिप दिखाई थी, तो स्वामी ने जो है वो बोल रही थी पापा मत रो मत रो, थोड़ा बहुत पानी आ जाता, मतलब ऐसे भी नहीं कि बहुत ज़्यादा रोते रहते हैं पापा, क्योंकि पापा और मम्मी का ऐसा है ना कि स्वामी के बगैर वो कभी भी नहीं जाते। मैं ऐसे थी कि मैं रह जाती थी, मैं अपनी मामा मम्मी के पास रहती थी बचपन में, या फिर मतलब रह जाती चाचा चाची के पास, मतलब हर एक के पास रहती थी। और उसका ऐसा है कि वो कहीं पर भी नहीं रहती, तो हमेशा मम्मी पापा, मतलब जैसे कि स्वामी नहीं है ना जो हमको छोड़ती नहीं, वैसे ही सॉरी स्वामी श्री स्वामिनी में कन्फ्यूज हो जाती हूँ, तो स्वामी से जैसे हमको छोड़ती नहीं वैसे ही स्वामिनी जो है बिल्कुल मम्मी पापा को छोड़ती नहीं थी। इस वजह से पापा जो है आज उनका बर्थडे था तो इमोशनल हो गए। हमने केक वगैरह नहीं लाया क्योंकि सुबह से बहुत ज़्यादा बिजी थी मैं। और बेबी थे बैंगल बाहर है ना मोबाइल घेन गए। तो चलिए मैं इस व्लॉग को एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। अभी मुझे बहुत ज़्यादा नींद की ज़रूरत है, तो चलिए बाय एंड गुड नाइट। गनू तो मम्मी पापा के पास ही है, सॉविज तो हमको छोड़ती ही नहीं है, एक मिनट के लिए छोड़ती नहीं मम्मी पापा का, है ना। बिल्कुल भी नहीं छोड़ती नीतीश को मुझको।